अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं जंग बाज़ार से। काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है और सामने देखा जा सकता है कि इस वक्त हम फवारा चौक की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड पे रेल बाज़ार है और लेफ्ट साइड पे अयूब चौक है। और जैसा कि हमारा ये सफ़रनामा शुरू हुआ था लाहौर से फोर्ट बन्नू और ज़ियारत कोयटा और चमन बॉर्डर वाली साइड पर, सारा करते हुए जोब की साइड से डेरा इस्माइल ख़ान से होते हुए हम इस साइड पे वापस आए हैं और इस वक्त हम वापस जा रहे हैं लाहौर की तरफ। बहुत ही अच्छा सफ़रनामा अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा है। देख सकते हैं कि ये जंग की बहुत ज़्यादा बारौनक मेन बाज़ार है, जामिया मस्जिद है और कि सुबह का वक्त है, लेकिन ये है कि यहाँ पर शॉप्स जल्दी खुल जाती हैं लाहौर की नस्बत। और इस वक्त हम पहुँचे हैं इस्लामिया हाई स्कूल जंग में, जो कि मौजूद है बक्कर रोड पे। और मेरे सफ़र के जो साथी हैं फरहान भाई, ये उनका आबाई इलाका है और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल की है, इस्लामिया हाई स्कूल। इस वक्त हम जा रहे हैं यूसुफ शाह रोड, काफ़ी तारीफ़ सुनी है वहाँ एक स्वीट शॉप की, ख्वाजा स्वीट्स के नाम से है। सुना है कि वहाँ उनका सोहना हलवा बहुत ज़्यादा फेमस है, चल के टेस्ट करते हैं जी। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ख्वाजा स्वीट्स, जो कि फैसलाबाद में मौजूद है। और जैसा कि मैंने बताया, इनके सोहन हलवे की मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे तारीफ़ सुनी थी और फरहान भाई ने मुझे गाइड किया इस रास्ते का, हम यहाँ पर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है इस वक्त देखा जा सकता है और बहुत सी अकसाम की स्वीट्स हैं यहाँ पर, मिठाइयाँ सामने रैक्स में लगी हुई हैं, केक्स लगे हैं और कुछ लोग मुझे और देख रहे हैं। मैंने हेलमेट पहना हुआ, अभी कई अकसाम की यहाँ पे हलवा जाते हैं और बिस्किट्स हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा यहाँ की जो मशहूर सौगात है वो ये सोहन हलवा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा रश है वो ये सोहन हलवे की वजह से ही है। टेस्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, तारुफ मैं करा दूँगा सर, ठीक हो गया। नेम गुजर का तारुफ करवाना है आपको, जी लोग आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब, अल्लाह ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू सर। इस वक्त हमने एक ब्रेक लिया है पेंसरा के मकाम पे, जो कि फैसलाबाद के बिल्कुल साथ है, और जहाँ पे हमने बाइक रोकी वहाँ पे गोल गप्पे वाले साहब खड़े थे और हमने हमारा भी दिल ललचाया गोल गप्पे खाने के लिए और ये हम गोल गप्पे जो है ना इंजॉय करने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनका जो है वो टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी अर्से से गोल गप्पे खाए नहीं थे, तो आज फिर और सब चाट मसाले की जरूरत नहीं है। मैं लाइट लगाया, चाट मसाला नहीं नहीं लगाया आपने? मैं लगाया लेकिन मेरा लाइट जहाँ लगा होता तो इस तरह रिक्वायर नहीं। कोई मसला नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी। वहाँ पे हमने ये अभी रुक के विक्की के मशहूर गोल गप्पे खाए हैं, तो लोगों की पूरे रास्ते में जो लोगों की हमने मोहब्बत देखी, उनकी शफकत देखी, उसका एक जीत जाता सुकून ये है कि वो भाईजान आ रहे हैं साहब, ये हमारे लिए जो है ना पूरा तकल्लुफ़ उन्होंने इंतज़ाम किया, घर से चाय बनवा के लाए हैं, तकल्लुफ़ किया जी उन्होंने, बल्कि ये नज़र आ सके कि अब सामने कह रहे थे मेरा घर है, आप हमारे मेहमान हैं, आप घर से बड़ी लंबे मुसाफत के मुसाफिर हैं और घर से ये चाय बना के रहे हैं, एक कप अपने लिए और दो हमारे लिए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वकास जी हाँ। आपका नाम मोहम्मद वकास है जी हाँ। निक नेम ये विक्की, आपका निक नेम है? अच्छा जी, विक्की का नाम तो लोग। आपके गोल गप्पे बड़े मज़े के थे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये हमारा इस सफ़र की एक यादगार बन गई है, क्या आप भी हमारे यादगार का हिस्सा बन गए? बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए कि आपने चाय बनवा के ले आए फटाफट, ठीक है जी, जज़ाकल्ला। ये जो बेलौस मोहब्बत है, इसका कोई जवाब नहीं है,
अब यहाँ पे हम सिर्फ नमाज की ब्रेक के लिए रुके थे, गोलगप्पे नज़र आए तो गोलगप्पे हमने खाने की ख्वाहिश जाहिर की है मैंने कुरान भाई से, जिन्होंने उन्होंने फ़ौरन उसको कबूल किया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लाहौर बंद रोड पे अपना मुकम्मल सफ़र तय करने के बाद। तकरीबन 2200 किलोमीटर का ये सफ़र था लाहौर से फोर्ट बनू ज़ियारत क्वेटा चमन बॉर्डर से होते हुए। वापसी हमने ज़ोब और डेरा इस्माइल ख़ान वाली साइड से की है। अलहम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस पहुंच चुके हैं।